वेलकम स्टूडेंट, माय सेल्फ रितिका। टुडे आई विल टीच यू मैथ लेसन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.11। देखो बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 3.11 है। पीछे हमने एक्सरसाइज 3.10 करी थी। 3.11 एक्सरसाइज को बच्चों आप क्रॉस लगा दोगे, ये जो है एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। अब हम करते हैं लेट अस रिवाइज। यहाँ पे आपको कुछ सब्ट्रैक्शंस के सम दिए गए हैं जो मैंने पीछे आपको करवाए थे, तो ये सभी जो है आपने इसको नोटबुक्स में करने हैं। और अगर आपके पास बुक्स हैं तो आपने बुक्स के अंदर इसको फिल करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों मेंटल मैथ, ये भी आपको बुक के अंदर फिल करना है। अब हमारे पास आता है मेंटल मैथ में टिक द करेक्ट। देखो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट का। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम ए नंबर वी गेट, जब हम किसी भी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सक्सेसर प्रीसेसर वन और नंबर इटसेल्फ। तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर में से जीरो लेस करेंगे तो नंबर इटसेल्फ जो है उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम एनी नंबर वी गेट, जब हम किसी भी नंबर में से एक वन जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रोसेसर सक्सेसर जीरो नंबर इटसेल्फ, तो आंसर आएगा प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ लार्जर नंबर वी गेट इट, जब हम किसी बड़े नंबर में से लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है, डिफरेंस। ये मैंने आपको पहले भी समझाया बच्चों, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर को हम क्या कहेंगे, डिफरेंस। नेक्स्ट है, द सम ऑफ स्मॉलर नंबर एंड डिफरेंस इज इक्वल टू, जो है स्मॉलर नंबर में अगर हम डिफरेंस को ऐड कर दे, सम कर दे, तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर नंबर। ठीक है बच्चों, ये टिक द करेक्ट है जो आपको फिल करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं लेट अस रिवाइज के, जो हम अब करेंगे। देखो बच्चों, लेट अस रिवाइज में सिंपल मल्टीप्लिकेशन दी गई है जो आपने फर्स्ट क्लास में भी करी थी। तो देखो इसके एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें सबसे पहले दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 5, हमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की टेबल 5 तक काउंट करनी है। तो करो बच्चों, 2 5 जा कितने होते हैं, 2 5 जा होते हैं 10, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 5 जा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फिलअप्स दिया गया है, इसमें हमें 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डैश, हमें यहाँ पर 3 को प्लस किया हुआ है और हमें बताना है कि हम 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें। देखो बच्चे, सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। मीन्स अगर हम यहाँ पे 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 5 15। तो अगर हम इसको ऐड करें या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर जो है 15 ही आएगा। करके देखते हैं, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो बच्चों, अगर हम इसको ऐड करें या इसको सिंपल 1 2 3 4 5 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर जो है वो 15 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिलिप्स दिया गया है, डैश मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1। देखो बच्चों, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी हमारे पास जो आंसर है वो 9 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9, सेम इक्वल टू इक्वल आएगा। नेक्स्ट ही हमारे सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21। अब हम 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास वही 21 आए, तो 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 21 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे वंस टेंस, वंस के डिजिट से ही स्टार्ट करेंगे जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे। 3 3 जा
9. देखो बच्चे, सबसे पहले वंस के डिजिट को सॉल्व करेंगे. 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमने इसके नीचे ही लिखना है 9. अब यहाँ पे हम चलते हैं टेंस की डिजिट पे. वंस की डिजिट हो गई, उसको हम रहने देंगे. अब हम यहाँ पे सेकंड डिजिट टेंस की डिजिट पे चलेंगे. टेंस की डिजिट पे है 3 3 9, तो हमारे पास आंसर आया 99. नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है. वन नोटबुक हैज़ 48 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 4 सच नोटबुक्स. एक नोटबुक के जो है 48 पेजेस हैं एक नोटबुक में. उन्होंने हमें 4 नोटबुक्स दी हैं और हमें बताना है कि 4 नोटबुक्स में कितने पेजेस होंगे. तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले वन नोटबुक हैज़, एक नोटबुक में कितने हैं, इज इक्वल टू 48 पेजेस. फोर नोटबुक हैज़, फोर नोटबुक्स में कितने पेजेस होंगे, 4 मल्टीप्लाई 48. हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कैसे करेंगे देखो बच्चों. सबसे पहले यहाँ पे वंस और टेंस की डिजिट लिखेंगे. हमारे पास वंस की डिजिट में दिया गया है 8. 8 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है. 8 4 जा 32. 2 यहाँ पे 3 हम यहाँ पे जो है लिखेंगे. यहाँ पे 3 जो है ऊपर टेंस की डिजिट में कैरी चला जाएगा. 8 4 जा 32. 32 का 2 यहाँ, 3 टेंस की डिजिट में कैरी. 4 4 जा 16. 16 में 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 19. तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आया, 192 पेजेस. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ वीक हैज 7 डेज, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 12 वीक्स. एक वीक, एक हफ्ते में जो है 7 दिन होते हैं. हमें पता है बच्चों, देखो संडे मंडे ट्यूसडे 7 डेज होते हैं. हमें बताना है कि अगर हमारे पास 12 वीक्स दिए गए हैं तो हमारे पास टोटल कितने डेज होंगे. तो सबसे पहले हमें बताना है वन वीक हैज, वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज. 12 वीक है, 12 में कितने होंगे, 12 मल्टीप्लाई 7 डेज. तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले वंस की डिजिट से स्टार्ट करेंगे. 7 2 जा 14. 1 टेंस की डिजिट पे कैरी. 7 1 जा 7 7 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8. तो टोटल हमारे पास क्या आया, 84 डेज जो है वो 12 वीक्स में होंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, 8 बॉयज हैज 60 मार्बल्स ईच, हाउ मेनी मार्बल डू यू हैव ऑल टुगेदर. देखो बच्चों, इसमें जो है 8 बॉयज हैज मार्बल. मार्बल जो है वो कंचों को कहते हैं. जो 8 लड़के हैं उनके पास 60 मार्बल्स हैं. हाउ मेनी मार्बल्स डू यू हैव ऑल टुगेदर, हमें बताना है. देखो बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, 8 बॉयज हैव 60 मार्बल्स ईच, हाउ मेनी मार्बल्स डू यू हैव ऑल टूगेदर. देखो बच्चों, इसमें जो है 8 बॉयज हैव मार्बल्स. मार्बल्स होते हैं जो कंचे होते हैं, उनको कहा गया है. और यहाँ पर ईच, ईच का मतलब है वन. मीन्स जो है वन बॉय के पास जो है वो 60 मार्बल्स है. 8 बॉयज के पास कितने मार्बल है, सारे इकट्ठे होकर करके हमें बताने हैं. तो यहाँ पे भी ईच है. ईच का मीनिंग होता है कि वन, वन बॉयज के पास जो है 60 मार्बल्स है. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे? देखो बच्चों, इसमें हमने क्या बताया है, वन बॉय, वन बॉय इसके पास मार्बल है. तो हम क्या लिखेंगे, वन बॉय हैज मार्बल्स. वन बॉय के बाद कितने मार्बल्स है बच्चों, 60. हमें बताना है 8 बॉयज के पास, 8 बॉयज हैज मार्बल्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 8. हम यहाँ पे जो है 60 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. वंस की डिजिट 10. यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 8 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 जा 0. टेंस की डिजिट पे जाएंगे, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48. तो टोटल हमारे पास क्या आंसर आया, 480 मार्बल्स. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 6 बास्केट्स,
East basket has 24 oranges. How many oranges are there altogether? देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 6 बास्केट दी हुई है. ईच बास्केट, ईच मीन्स जो वन बास्केट है उसके अंदर 24 जो ऑरेंजेस हैं वो आ सकते हैं. हमें बताना है 6 बास्केट में सारे इकट्ठे जो है कितने ऑरेंजेस आएंगे. तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे बच्चों, वन बास्केट has 24. हमें टोटल कितनी बास्केट दी हुई है, 6 बास्केट. तो यहाँ पे लिखेंगे 6 baskets have oranges is equal to 24 multiply 6. हमें 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना है. वंस टेंस 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया, वंस के डिजिट से स्टार्ट करेंगे. 6 फोर ज़ा 24, 2 यहाँ पे कैरी, 6 टू ज़ा 12, 12 प्लस 2 14. तो हमारे पास टोटल कितने आए, 144 जो है ऑरेंजेस 6 बास्केट में आए. ओके बच्चों, ये हमारे पास लेटेस्ट रिवाइज है चैप्टर नंबर 4 के, जो आप सभी को नोटबुक्स में करने हैं. थैंक यू.